ईगल वर्सेज वल्चर पक्षियों के बिरादरी का दो सबसे खतरनाक और जबाज सदस्यों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। विशालकाय ईगल और मुर्दाखोर गिद्ध। आसमान में उड़ता हुआ मौत का दूसरा नाम ईगल और गिद्ध को माना जाता है, मगर सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। कौन जीतेगा जब ये दोनों आसमानी ताकत आपस में टकराएंगे, आइए जानते हैं। ईगल्स अपनी स्पीड और जबरदस्त नजरों के लिए जाना जाता है। ये करीब 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। ईगल की नजर और उसकी स्पीड ही उसे एक टॉप क्लास की शिकारी बनाती है। वही गिद्ध की उड़ने की स्पीड ईगल से काफी कम होती है, लेकिन ऊंचाई पर उड़ने की बात की जाए तो गिद्ध ईगल से 3 गुना ज्यादा यानी 36,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बारिश के समय में दुनिया की सारी पक्षियां बारिश से बचने के लिए एक ठिकाना ढूंढती है, मगर ईगल ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर ही उड़ना शुरू कर देती है। जहां ईगल एक तरफ अपने भोजन के लिए दूसरे जानवरों को मार कर खाता है, वही गिद्ध मरे हुए जानवरों के सड़े गले मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं। ईगल्स के पास नए पंख और चोंच उगाने की प्राकृतिक क्षमता होती है, वही गिद्ध ऐसा नहीं कर सकते। ईगल्स की एक खास बात और भी है, ईगल अकेले उड़ना और अकेले शिकार करना पसंद करते हैं, वही गिद्ध ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है दोनों की लड़ाई